ये बोला कि ये डीएनए, ये डीएनए प्रोटीन से जुड़ गया, ये क्रोमैटिन बन। ऐसे ऐसे सेल के अंदर में 46 क्रोमैटिन थे, 46 थे, 1 2 3 46 थे। यही 46 डीएनए यानी क्रोमैटिन मिल करके क्रोमैटिन नेट बना। बाद में हर डीएनए एक क्रोमैटिड बनेगा, हर डीएनए एक क्रोमैटिड बनेगा। तो इसमें अभी मत जाओ क्योंकि सेल डिवीजन में ज्यादा क्लियर होगा, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो अभी उस बात पे नहीं करेंगे। अभी हमारा मेन काम था उस पे फोकस करें, ठीक है, जो कि फिर से मैं बता दे रहा हूं। चलो बताओ ये क्या है, फटाफट बताओ ये क्या है, फटाफट मैसेज करो। क्रोमोसोम्स के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ये क्या है बोलो, क्रोमैटिड। ये क्या है, क्रोमैटिड। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमैटिड होंगे, एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमैटिड होंगे, दो। अब बताओ एक क्रोमोसोम के अंदर आर्म्स कितने हैं, आर्म्स कितना, ये एक आर्म्स, ये दो आर्म्स, ये तीन आर्म्स, ये चार आर्म्स। एक क्रोमोसोम में कितने आर्म्स होंगे, चार आर्म्स। जहां पर दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़ा होगा उसका नाम बताइए, जहां पर दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़े होंगे उसका नाम बताइए, जहां पर दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़े होंगे उसका नाम बताइए, ठीक है, उसका नाम होगा बोलो फटाफट, सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। उसका नाम सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके बाहर में चलो बताओ, इसके बाहर में कुछ प्रोटीन से बने स्ट्रक्चर होंगे ना, बोलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बोलो फटाफट। तो प्रोटीन से बना स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम होगा काइनेटो कोर, काइनेटो कोर। प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसका नाम है काइनेटो कोर। सर काम क्या करता है, कोई काम तो होगा, तुम्हें अभी नहीं जानना, ठीक है, अगला चैप्टर सेल डिवीजन करेंगे तो मैं बताऊंगा कि यहां से एक्चुअली में कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आके जुड़ते हैं, स्पिंडल फाइबर कहलाता है। सेल डिवीजन में यहां पर आकर के कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जुड़ते हैं जिसका नाम होता है स्पिंडल फाइबर, जो डिवीजन में हेल्प करेगा, सेल के डिवीजन में हेल्प करेगा। लेकिन ये वहां पढ़ना है, यहां नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके फिगर्स को देखते हैं, तो देखो ये फिगर आपको दिख रहा है क्लियर कट, फटाफट देखो यहां पर फिगर एकदम क्लियर है, क्रोमोसोम का फिगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्रोमैटिड क्लियर है, ठीक है, दो क्रोमैटिड दिख रहे हैं, दोनों क्रोमैटिड जहां पर जुड़ेगा उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। उसके बाहर में एक प्रोटीन का कवरिंग होगा जिसे हम लोग कहेंगे काइनेटो कोर। चलो अब बताओ ध्यान से, यहां पर पढ़ो सेकेंड पैराग्राफ को पढ़ो, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, एवरी क्रोमोसोम यानी हर क्रोमोसोम में, एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज ए, हर क्रोमोसोम में ये होना जरूरी है, क्या, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। हर क्रोमोसोम में धसा हुआ पार्ट होगा जहां पर दोनों क्रोमैटिड जुड़ रहे होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर, उसे हम लोग सेंट्रोमियर कहेंगे। ऑन द साइड्स ऑफ विच, जिसके साइड में डिस्क शेप, डिस्क के तरह ना कवर करते हुए, डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर, उसे क्या कहेंगे हम लोग, काइनेटोकोर कहेंगे, आर प्रेजेंट। यहां तक क्लियर है, ये एनसीईआरटी का लाइन समझ में आ गया, फिर भी से सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब देखो दूसरे वर्ड्स को, जो आर्म्स है, जो आर्म्स के टिप को, यानी सिंपल बोले कि क्रोमोसोम का जो पार्ट है उसे क्रोमैटिड कहते हैं, उसके टिप को, ये टिप है ना, ये टिप है ना, इस टिप को जो भी लास्ट वाला पार्ट है, टिप वाला पार्ट है, इस टिप को हम लोग कहते हैं टीलोमियर, इस टिप को हम लोग कहते हैं टीलोमियर। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज टीलोमियर, ध्यान से देखो, जो क्रोमोसोम है या क्रोमैटिड बोलो,
या आर्म्स बोलो, उसको जो लास्ट वाला पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट है उसे हम लोग एक नाम देते हैं टीलोमियर। ये टीलोमियर है, ये टीलोमियर है, तो ये टीलोमियर है। तो जो भी मैंने वर्ड्स बोला वो अच्छे से आना चाहिए। क्रोमोसोम क्या होता है वो क्लियर है, क्रोमैटिड्स क्या होता है ये क्लियर हो गया, ये क्रोमैटिड्स है, जहां दोनों जुड़ा वो सेंट्रोमियर है, ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन है जिसका नाम क्या है गैनेटोपोर। इंड वाले पार्ट को क्या कहेंगे टीलो, इंड वाले पार्ट को क्या कहेंगे टीलोमियर, यहां तक याद होना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, इस बैच में मेरा मूड नहीं करता पढ़ाने, मैं छोड़ूंगा इस बैच, ठीक है। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा है सेंट्रोमियर, ये तुम्हारा सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, ठीक, ये तुम्हारा क्रोमैटिड। ध्यान से देखो, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, थोड़ा बड़ा बनाता, ये बड़ा बना, ये क्रोमैटिड बना, ये क्रोमैटिड बना, क्लियर है। अब बताओ सेंट्रोमियर कहां है, सेंट्रोमियर एकदम मिड पे बीचों बीच है, देखिए यहां पर जितनी दूरी यहां से यहां उतनी दूरी यहां से यहां ना, तो अगर सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच है ना, तो दोनों के दोनों आर्म्स, ये आर्म्स और ये आर्म्स बोलिए, दोनों के दोनों एक समान होंगे। तो अगर सेंट्रोमियर एकदम मिड पे है, ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं मेटासेंट्रिक, ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं मेटासेंट्रिक। चलिए ये याद हो गया, मेटासेंट्रिक, ठीक है। अगर जो सेंट्रोमियर है देखो थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा ऊपर है, देखो थोड़ा ऊपर बना रहा, ये मिडिल है, ये मिडिल है, तो देखो क्या होगा, सेंटर से थोड़ा ऊपर है, सेंटर से थोड़ा ऊपर है कौन सेंट्रोमियर, तो एक आर्म्स छोटा एक आर्म्स बड़ा बन गया, देख लो ना। तो सेंट्रोमियर का पोजीशन बताओ, सर मिडिल से थोड़ा ऊपर है, मिडिल से थोड़ा ऊपर है सेंट्रोमियर, तो ऐसे को कहते हैं हम लोग सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, जहां सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा दूर, तो उसे कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। तीसरा देखो, अगर सेंट्रोमियर इंड की तरफ चला जाए, इंड की तरफ, टुवर्ड्स इंड, इंड की तरफ चला गया, देखो सेंटर यहां है, सेंटर यहां है, अब देखिए, अब देखिए ध्यान से, तो एक आर्म्स बड़ा, ये आर्म्स बड़ा, इधर के आर्म्स छोटे, बताओ सेंट्रोमियर का है, सेंट्रोमियर तो सर इंड की तरफ चला गया, तो ऐसे को कहते हैं, ऐसे को कहते हैं हम लोग एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर किधर है, इंड के तरफ चला गया, ये देखिए ये सेंट्रोमियर है, इंड के तरफ चला गया, एक्रोसेंट्रिक, ठीक। और लास्ट लास्ट, अगर सेंट्रोमियर एकदम इंड पे ही आ जाए, इंड पे ही आ जाए, तो अब बताओ ये देखो, ये क्या इधर आर्म्स बनेगा, नहीं इधर आर्म्स बनेगा, नहीं, सेंट्रोमियर कहां चलेगा, एकदम इंड पे चला गया, एकदम इंड पे चला गया, तो ऐसे क्रोमोसोम को ऐसे कहिएगा टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो बहुत ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, अगर जो सेंट्रोमियर है वो अगर बीचो बीच हो, मिडिल पे हो, अगर सेंट्रोमियर बीचो बीच हो, मिडिल पे हो, सेंट्रोमियर बीचों बीचों मिडिल पे हो, तो इसे कहेंगे मेटासेंट्रिक नंबर वन। अगर वो मिडिल से थोड़ा ऊपर आ गया, मिडिल से थोड़ा ऊपर आ गया, देखो मिडिल का है, ये का है, ये मिडिल था, थोड़ा ऊपर आ गया, सब मेटासेंट्रिक सेकेंड नंबर।
अगर वो इंड के तरफ चला गया, इंड के तरफ चला गया, पूरा इंड पे नहीं गया, इंड के तरफ गया है, देखिए इंड के तरफ चला गया, तो इसे कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। और पूरी तरह से इंड पे चला गया, इंड पे चला गया, देखिए यहां पहुंच गया, इंड पे चला गया, तो इसे क्या कहेंगे, टीलोसेंट्रिक। तो आपको सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे चार तरह के हो गए, चार तरह के हो गए, पोजीशन कहां कहां है ना। अब एनसीईआरटी में इस फिगर को देखिए, क्या आपको चारों फिगर क्लियर कट दिख रहे हैं क्या चारों? लेकिन एनसीईआरटी के फिगर में एक गड़बड़ है, जो चौथा फिगर है, फोर्थ नंबर जो बना है टीलोसेंट्रिक का, फोर्थ जो फिगर है जो टीलोसेंट्रिक का बना है, उसमें प्रॉब्लम है, वहां पर इंड पे पूरी तरह से नहीं बना है, छोटा सा हम वहां पे बचा दिए, ऐसा नहीं होगा, पूरा इंड पे चला जाएगा, तो केवल इधर एक क्रोमेटिन, इधर एक क्रोमेटिन ना, तो दूसरा वाला आर्म नहीं दिखेगा ना, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी में गड़बड़ है। मैंने क्लियर बता दिया, क्या चारों फिगर आपको क्लियर है? देख लो, सबसे पहला देखो, सेंटर पे है तो हो गया मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, तो सब मेटासेंट्रिक, और इंड की तरफ है तो हो गया एक्रोसेंट्रिक। तो यहां पढ़िए तो आप फटाफट, यहां देखो, ध्यान से सुनना, लिखा है एनसीईआरटी में, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। हम क्रोमोसोम को चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सेंट्रोमियर का पोजीशन कहां पास है उसके बेसिस पे हम चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला मेटासेंट्रिक, क्लियर है? मेटासेंट्रिक क्या क्या डिफिनेशन है, क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर मिडिल पे होगा तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, मेटासेंट्रिक। तो दोनों आर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे, अगर सेंटर पे है तो दोनों आर्म्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सब मेटासेंट्रिक, क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, मिडिल से थोड़ा दूर चला जाएगा, तो क्या होगा बोलो, रिजल्टिंग इनटू ए शॉर्ट आर्म, एक तरफ का आर्म छोटा, एक तरफ का आर्म बड़ा हो जाएगा, ठीक है, एंड वन लॉन्गर आर्म इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक। बताओ, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इंड, इंड पे नहीं गया, क्लोज, उसके नजदीक चला गया, फॉर्मिंग एन एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म, एक बहुत बड़ा आर्म, एक बहुत छोटा आर्म। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल पे चला, सबसे एंड पे चला गया, सबसे टर्मिनल पे चला गया, तो नाम पड़ा टीलोसेंट्रिक ना। तो देखो एनसीईआरटी में लिख तो दिया है टीलोसेंट्रिक हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल पे चला गया, लेकिन फिगर में गड़बड़ कर दिया, फिगर में एक छोटा आर्म बना दिया, ऐसे कैसे होगा भाई, एक तरफ वो इंड पे गया तो केवल एक ही तरफ तो बड़ा सा आर्म बनेगा। तो देखिए अब गड़बड़ नहीं करना है, यहां पास एकदम आपको समझ में आना चाहिए, तुम बताना, चलो फटाफट बताओ, ये देखो मैंने यहां पास से मिडिल बनाया, ये देखिए मिडिल पे मेटासेंट्रिक, मिडिल से थोड़ा ऊपर सब मेटासेंट्रिक, और इंड के तरफ बनाया एक्रोसेंट्रिक, और इंड पे बना दिया, एक इंड पे बना देता हूं, तो ये हो गया आपका, बोलो टीलोसेंट्रिक हो गया। यहां पर फिगर ऐसे बना दीजिए थे, ये देखिए ठीक है, ये देखिए मेटासेंट्रिक, और ये एक देखो बड़ा, एक तरफ छोटा, ठीक। अब देखो एक्रो में ये आर्म्स है ना, इसी को क्या है, आर्म्स, एक बड़ा एक काफी छोटा, बड़ा एक काफी छोटा, ठीक। और यहां अब क्लियर है, यहां तो शॉर्ट आर्म हो गई, इधर कोई आर्म्स बना क्या, नहीं बना, तो मेरे से कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। नीट में क्वेश्चन है, यहां पर देखो जो है मेटासेंट्रिक, यहां पर देखो ये आर्म और ये आर्म दोनों इक्वल साइज के है ना, दोनों का साइज इक्वल है, क्योंकि बीचों बीच में है तो दोनों का साइज इक्वल होगा,
यहां देखो ये आर्म को देखो, ये बड़ा, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है। तो जो छोटा आर्म होता है उसे स्मॉल पी कहते हैं और जो बड़ा आर्म होता है उसे स्मॉल क्यू कहते हैं। जो छोटा आर्म है उसे स्मॉल पी कहिएगा और जो बड़ा आर्म है उसे स्मॉल क्यू कहिएगा। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट में आ चुका है। तो जो स्मार्ट बच्चा है, स्मार्ट बच्चा है वो पढ़ लिया, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइएगा तो मिलेगा व्हाट इज पी व्हाट इज क्यू। और एम्स का क्वेश्चन बना देता हूं, एम्स का क्वेश्चन बना देता हूं। यहां देखिए ये स्मॉल पी ये स्मॉल क्यू, ये स्मॉल पी स्मॉल क्यू। यहां अरे यहां पर केवल क्यू होगा, पी तो है ही नहीं, यहां पर केवल पी होगा ना, यहां पर केवल पी होगा ना, क्यू होगा, यहां पर केवल स्मॉल क्यू होगा, पी तो होगा ही नहीं ना। तो अब एकदम क्लियर है, यहां पी क्यू नहीं बोलिएगा क्योंकि दोनों आर्म तो छोड़ एक समान है, दोनों आर्म तो एक समान है, तो ना कोई पी है ना क्यू, क्यू है सब मेटासेंट्रिक, पी और क्यू है। एक्रोसेंट्रिक देखिए एक छोटा एक बड़ा आर्म, टीलोसेंट्रिक केवल क्यू है, पी तो है ही। तो क्या यहां तक आपको समझ में आया, फटाफट बोलो यस नो, बोलो फटाफट। हाँ सर, हाँ सर समझ में आ गए, ठीक है क्लियर सर, सर आ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, हाँ सर आ गए, नहीं सर ठीक है, और एकदम क्लियर है, मैंने चार वर्ड बोला तो एकदम क्लियर है। अब देखो सर, सर अब दिक्कत ये है कि सर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के एनसीईआरटी में कुछ फिगर बनाया है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सैटेलाइट, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कंफ्यूजन है। हाँ सर, हाँ सर, यही पढ़ना है, बस यही पढ़ना है, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। हमें मालूम है कि ह्यूमन बीइंग में टोटल क्रोमोजोम है 46, आप सभी को मालूम है हमारे अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46 होते हैं, 46। पेयर पूछा जाता है हमारे क्रोमोजोम पेयर में है तो 23 पेयर हो, एक पेयर मतलब टू क्रोमोजोम तो 23 पेयर मतलब 46 हो। जैसे मैं और एक और लड़का आ गया, एक पेयर बना, इसी तरह से एक पेयर मतलब दो क्रोमोजोम कैसे बनते, मैं बनाऊंगा फिगर बनाऊंगा, क्लियर हो जाएगा पेयर कैसे बनते हैं, क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जाने हमारे पास कितने पेयर है, 23 पेयर। इस 23 पेयर में पांच पेयर स्पेशल है, फाइव जो पेयर है वो स्पेशल है। सर स्पेशल मतलब ध्यान से सुनो, और क्या स्पेशल, 13 नंबर, 14 और 15, ये तीन पेयर, 21 और 22, ये जो पांच पेयर है कौन कौन नंबर, 13, 14, 15, 21 और 22, ये जो पांच पेयर, टोटल 23 पेयर होते हैं, इसमें से पांच पेयर 13 वाला, 14 वाले, 15 वाला, 21 वाले, 22, ये जो पांच पेयर है ये स्पेशल है। सर क्या स्पेशल है, इस स्पेशल को कहते हैं सेट क्रोमोसोम, इसे कहते हैं सेट क्रोमोसोम, ये स्पेशल है। हर क्रोमोसोम सेट क्रोमोसोम नहीं कहलाएगा, ये पांच ही कहलाएंगे। सर क्या है मतलब सेट, मतलब इस क्रोमोसोम के अंदर सैटेलाइट होगा, इस क्रोमोसोम के अंदर सैटेलाइट होगा। सर सैटेलाइट क्या होता है, पढ़ते हैं सर सैटेलाइट क्या होता है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना, सैटेलाइट का मीनिंग क्या है, क्या है ये सब ना। इस पांच क्रोमोसोम में प्राइमरी के अलावा, प्राइमरी तो सब जगह पाया जाएगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो सब जगह पाए जाएंगे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो सब जगह पाया जाएगा, इसके अलावा यहां सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाया जाएगा। सर कैसे, फिगर बनाता हूं तो क्लियर होगा, जब तक फिगर नहीं देखेंगे नहीं बता सकते, फिगर बनाऊंगा एकदम 100% क्लियर होगा। तो एकदम आराम से करो, एकदम आराम से देखो, तुमने एक क्रोमोसोम बनाया, ये क्रोमैटिड्स बना दिए, आता है सबको क्रोमैटिड बनाना, एक क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड,
बना दिया ना एकदम क्लियर है। जहां पर दोनों क्रोमेटिड जुड़े हैं, जहां पर दोनों क्रोमेटिड जुड़ा है, जहां पर दोनों क्रोमेटिड जुड़े हैं, बोलो क्या नाम होगा? जहां पर दोनों क्रोमेटिड जुड़ गए क्या नाम होगा? सर उसका नाम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या उसी का नाम सेंट्रोमियर, उसी का नाम सेंट्रोमियर। तो ये बच्चा आपका सेंट्रोमियर है, लिख देता हूं कि कंफ्यूजन ना हो, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ध्यान से। इसके बाहर में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, बताइए इसका नाम? बाहर में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, बोलो क्या होगा इसका नाम? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाहर प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, बोलो क्या नाम होगा? बोलो, किसी को याद है? लिखो 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 लिखो, बोलना नहीं, ठीक है? याद है, सबको याद है, ठीक है? ठीक है, तो उसका नाम है काइनेटोकोर। ये बच्चा काइनेटोकोर, ये तो सब क्रोमोसोम में होगा, हमारे अंदर में 23 पेयर हैं, हर पेयर में ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ क्रोमोसोम स्पेशल हैं। अब देखिए स्पेशल क्रोमोसोम पढ़िए, उनके अंदर में देखिएगा प्राइमरी के अलावा कुछ और धसा हुआ पार्ट मिलेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट मिलेगा, इसी को कहेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ध्यान से देखना, अभी बना रहा फिगर वापस से। प्राइमरी के अलावा कुछ और पार्ट मिलेगा, यहां पास प्राइमरी है, फिर से बना दूं? चलो फिर से बना दो। प्राइमरी के अलावा कुछ और धसा हुआ पार्ट मिलेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब चिपकना, अंदर धस जाना, तो प्राइमरी के अलावा कुछ और धसा हुआ पार्ट मिलेगा, इसी का नाम है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर में जो डीएनए होगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर में जो डीएनए होगा इसी को कहते हैं बच्चा सैटेलाइट, इसी को कहते हैं सैटेलाइट। फिर से सीखो, फिर से मौका है। ये प्राइमरी है, जहां पर धसता है प्राइमरी है, तो सर पहचानेंगे कैसे प्राइमरी कौन है सेकेंडरी कौन है? काइनेटोकोर से पहचान लीजिए, ठीक है? इसके अलावा प्राइमरी के अलावा कहीं पर धसा हुआ पार्ट है तो ये सेकेंडरी है, और सेकेंडरी के बाद में जो डीएनए मिलेगा, जो पार्ट मिलेगा क्रोमोसोम का पार्ट, जो सेकेंडरी के बाद है, सेकेंडरी के बाद जो क्रोमोसोम का पार्ट है थोड़ा फूला हुआ मिलेगा ना, इसी को कहते हैं सैटेलाइट। और जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट होगा उसी को कहेंगे सैट क्रोमोसोम, उसी को कहेंगे सैट क्रोमोसोम, ठीक है? एकदम क्लियर है, फिगर को समझना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी के फिगर को देखिए, फर्स्ट फिगर को देखो, पहला जो दिया एनसीईआरटी, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर दिखा, प्राइमरी के अलावा कुछ और धसा हुआ पार्ट है, धसा हुआ पार्ट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर में जो क्रोमोसोम का पार्ट है, इंड वाला जो पार्ट है, उसका नाम सैटेलाइट। तो जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट होगा उसे सेट क्रोमोसोम कहेंगे। तो सर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या करता है? शायद ये तुम्हारे दिमाग में है, प्राइमरी समझ में आया, सेकेंडरी क्या करता है ये बताइए। इसके लिए हम लोग एक बार फिगर और बनाते, जितने बार बोलोगे सिखा दूंगा, लेकिन बच्चा मेहनत करना पड़ेगा। तुम मेहनत करो, सिखा मैं दूं, डॉक्टर मैं बना दूंगा, लेकिन तुम मेहनत नहीं करोगे तो मेरा मूड खराब होगा, ठीक है? तो मेरे पास तो एक ही ऑप्शन रहेगा, मैं बैच छोड़ दूंगा, फिर बनते रहना डॉक्टर, ठीक है? मैंने क्या बोला, ये देखिए फिर से बना रहा हूं, ये आपका क्रोमैटिड, ये आपका क्रोमैटिड, जहां पर दोनों क्रोमैटिड जुड़े ये नाम सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाहर में प्रोटीन का कवरिंग काइनेटोकोर। क्या करता है? सर ये कुछ फाइबर वाइबर से जुड़ता है, हमें नहीं पढ़ना है, कुछ स्पिंडल फाइबर होते हैं उसे जुड़ने में काम करता है, हमें नहीं जानना, हमें नहीं जानना,
सेल डिवीजन चैप्टर है, पढ़ेंगे वहां हमें स्ट्रक्चर। तो यहां पास क्या देखा गया, स्पेशल चीज, स्पेशल चीज सर क्या, प्राइमरी के अलावा यहां पर धसा हुआ पार्ट मिला सेकेंडरी। प्राइमरी तो है ही, एक और धसा हुआ पार्ट मिला सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कहते हैं नॉर, क्यों कहते हैं अभी समझाऊंगा। सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन का एक और नाम नॉर, फुल फॉर्म काम बता रहा हूं। सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर इंड वाला जो पार्ट मिलेगा इसे सैटेलाइट कहेंगे। ये सैटेलाइट हो गया, ये सैटेलाइट हो गया। तो इस क्रोमोसोम में सैटेलाइट है तो नाम सैट क्रोमोसोम। क्या हर क्रोमोसोम में होगा? नहीं, केवल 13 नंबर में, 14th वाले में, 15 वाले में, 21 वाले में, 22 वाले में होगा, बस इसी में होगा। सर काम क्या करते हैं और नॉर क्या है? देखो ध्यान से सुनो, जो सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन है यही बनाएगा बच्चा आर आर एन ए, राइबोसोमल आर एन ए। क्या बनेगा? आर आर एन ए। जो सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन है यही क्या बना, आर आर एन ए, राइबोसोमल आर एन ए बना दिया इसने। और यहां आकर के बैठ गया प्रोटीन, यहां आके कौन बैठ गए? प्रोटीन। यहां के कौन बैठ गया? प्रोटीन। और यही आर आर एन ए और प्रोटीन मिलकर के बन गया बच्चा न्यूक्लियोलस। ये बन गया क्या? न्यूक्लियोलस। तो मैं कहूं सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बनाया? आर आर एन ए। और बाहर से क्या आया? प्रोटीन। दोनों जुड़ गए और ये बच्चा बन गया न्यूक्लियोलस। इसलिए सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम नॉर है, इसने न्यूक्लियोलस बनाया, इसलिए नाम पड़ा न्यूक्लियोलर। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ऑर्गेनाइजिंग रीजन, क्योंकि इसने न्यूक्लियोलस बनाया इसलिए इसका नाम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहलाया। तो इसका मतलब है सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोलस बनाता है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम का पार्ट बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन सारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? सेल के अंदर एक्टिविटी ज्यादा तो प्रोटीन ज्यादा चाहिए, प्रोटीन ज्यादा तो राइबोसोम ज्यादा चाहिए, राइबोसोम ज्यादा तो न्यूक्लियोलस का नंबर बढ़ाइए। और न्यूक्लियोलस अगर ज्यादा है, न्यूक्लियोलस का नंबर अगर ज्यादा है तो न्यूक्लियोलस बनाने वाला स्पेशल क्रोमोसोम सेट क्रोमोसोम चाहिए, सेट क्रोमोसोम चाहिए। सेट क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे न्यूक्लियोलस तैयार होगा, ये याद रखिए। चलो अब बताओ किसे किसे समझ में आया? चलो अब एंड कर रहे, खत्म कर रहे, तुम्हारी क्लास भी होगी। हाँ हाँ खत्म कर रहे, क्लियर है? आ गया सभी को समझ में? प्रोटीन कहां से आएगा? बताया था कल ही, बताया था कल ही, बताया था प्रोटीन राइबोसोम बनाता है बाहर में, वहां से न्यूक्लियस के अंदर आएगा, वहां से अंदर आएगा। तो क्या ये अब सारा चीज तुम खुद से पढ़ लोगे? अब एनसीईआरटी समझ में आ गई? पूरा एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बता दिया, पूरा फिगर बता दिया बच्चा, पूरा फिगर बता दिया। चलिए पढ़िए नीचे का लाइन और एंड करते हैं। समटाइम्स ए फ्यू क्रोमोसोम, क्या सारे क्रोमोसोम में? नहीं सर, फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग, उसमें कलर नहीं जाता इसलिए नॉन स्टेनिंग लिखा, उसमें कलर डालोगे तो कलर नहीं लेगा। सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन एट कॉन्स्टेंट लोकेशन, कुछ लोकेशन पे धसा हुआ होता है उसे सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट, उसके ऊपर में छोटा सा पार्ट बच गया, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा, कॉल द सैटेलाइट। समझ में आया? फ्यू क्रोमोसोम का ना कि कुछ क्रोमोसोम में प्राइमरी के अलावा कुछ और धसा हुआ पार्ट मिलेगा, नाम सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। और इसके ऊपर में जो डीएनए क्रोमोसोम का पार्ट बचा हुआ रह गया उसी को हम लोग सैटेलाइट कहेंगे, इसे क्रोमोसोम को सेट क्रोमोसोम कहेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो जाती है? चलो बताओ किसे किसे क्लियर हो गया?
नहीं नहीं सेट क्रोमोसोम केवल मेटासेंट्रिक में होगा, ये गलत वर्ड है, किसी में हो सकता है, किसी में हो सकता है, हमारे अंदर में कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं, केवल समझाने के लिए बनाया गया है, मेटासेंट्रिक में किसी में भी पॉसिबल है। चलो जिसको जिसको डाउट है बोलो फटाफट, अभी तुम्हारी नेक्स्ट क्लास भी है तो मेरे से इंडी कर देते हैं क्लास, किसी को डाउट है तो फटाफट बोलो। ये किसी में भी पाया जा सकता है, ये जरूरी नहीं केवल मेटासेंट्रिक। सर अगर स्टेनलेस है तो कैसे पता चला? इसके लिए साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप यूज किया होगा अलग तरह का। हाँ ये है कि स्टेन हुआ नहीं तो दिखा कैसे, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि सर टेलोसेंट्रिक हैव ओनली टू आर्म्स, हाँ बस दो ही आर्म्स होंगे, चार आर्म्स नहीं होगा, दो आर्म्स होगा, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिया जाए तो बोलेंगे कितने आर्म्स है, तो दो ही आर्म्स है, ठीक है। तो हम लोग स्टेनलेस है, ये कलर नहीं होता, तो हम लोग दूसरे टेक्निक है हमारे पास भी माइक्रोस्कोप से, और भी अलग टेक्निक है हमारे पास, हम उस मेथड से पता करते हैं। चलो और बोलो फटाफट बोलो, डाउट्स बोलो और इंड करें, बोलो जल्दी जल्दी। चलो तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, पांच क्वेश्चन पूछता हूं। सर सेंट्रोमियर सिर्फ अपर ही जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो समझाने का तरीका बताया यार, नीचे भी बना सकते हो ना, नीचे भी बना सकते हो, मैंने तो समझाने का तरीका बताया, तो अपर हो नीचे हो बस, बीच में होगा तो मेटासेंट्रिक, एक छोटा एक बड़ा आम बना, इंड के तरफ आ गया एक्रोसेंट्रिक, सेंटर से दूर आ गया सब मेटासेंट्रिक, ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो और बोलो, देन टेलोसेंट्रिक में भी पी होगा ना, टेलोसेंट्रिक में पी कैसे आएगा बताओ, टेलोसेंट्रिक में पी कैसे आएगा भाई, तू इधर बना दे, टेलोसेंट्रिक में पी कैसे आएगा, तू चाहता है यहां पर बना दू, इंड पे बना दिया, अब बताओ आर्म्स थोड़ी ना बने, केवल क्यू होगा, पी कहां से आएगा, सैटेलाइट में मेनली कहां यूज होता है, सैटेलाइट वाला जो पार्ट है उसे फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं, अब फिंगरप्रिंटिंग कोई टॉपिक होगा पढ़ेंगे बाद में, याद रखिएगा उससे हम लोग फिंगरप्रिंटिंग, कुछ पढ़ता उड़ता होगा कि कोई आदमी का मर्डर हो गया तो फिंगरप्रिंटिंग के टेक्निक से उस मर्डर को सॉल्व किया गया ना, थोड़ा हाई फाई रिसर्च होता है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का, तो उसी को हम लोग कहते हैं, इसी सैटेलाइट के डीएनए को यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ यूनिक पार्ट है जिसका हम लोग यूज करके फिंगरप्रिंटिंग नाम के टेस्ट को करते हैं, क्लियर है। चलो अब मैं पूछता हूं, ये बताओ एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स, दो क्रोमैटिड्स, एक क्रोमोसोम में कितने आर्म्स होंगे, चार आर्म्स होंगे। ये बताओ अगर सेंट्रोमियर मिडिल पे है तो क्या नाम देंगे, अगर सेंट्रोमियर पूरी तरह से मिडिल पे है तो क्या नाम देंगे, मेटासेंट्रिक, अगर मिडिल से थोड़ा ऊपर है तो क्या नाम देंगे, अगर मिडिल से थोड़ा ऊपर है तो क्या नाम देंगे, सब मेटासेंट्रिक, अगर वो इंड के तरफ है, क्लोज टू इंड, इंड पे नहीं है, क्लोज टू इंड है तो क्या नाम देंगे, एक्रोसेंट्रिक, अगर पूरी तरह से इंड पे है तो, अगर पूरी तरह से इंड पे है तो टीलोसेंट्रिक। चलो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का एक और नाम क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम क्या है, सेंट्रोमियर, ठीक है। अब बताओ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाहर डिस्क लाइक प्रोटीन होता है उसका नाम बताओ, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाहर डिस्क लाइक प्रोटीन होता है उसका क्या नाम होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाहर डिस्क लाइक प्रोटीन होते हैं उसका नाम क्या होता है, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से कौन आके बाइंड करता है, नहीं बोला याद करने के लिए फिर भी बता दो, आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है, वहां पर आके कुछ रस्सी फाइबर, स्पिंडल फाइबर आके बाइंड करते, स्पिंडल फाइबर आके बाइंड करते। चलिए बताओ क्रोमोसोम का जो लास्ट वाला इंड पार्ट है उसका क्या नाम है, क्रोमोसोम का जो लास्ट वाला पार्ट है, इंड वाला पार्ट है उसका क्या नाम है, टीलोमियर, आंसर इज द टीलोमियर,
हमारे अंदर में कौन कौन से पेयर है जहां पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है सेट क्रोमोसोम वाले, हमारे अंदर में कौन कौन ऐसा क्रोमोसोम है जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर आते हैं, 13, 14, 15, 21, 22, हमारे अंदर टोटल कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, हमारे अंदर टोटल कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 के, हमारे अंदर एक एक सेल में कितना लंबा डीएनए होगा, हमारे एक सेल में कितना लंबा डीएनए होगा, आंसर 2.2 मीटर, आंसर 2.2 मीटर लंबा डीएनए होगा, आंसर 2.2 मीटर लंबा डीएनए होगा, ठीक है। चलो ये बताओ, सबसे पहली बार न्यूक्लियोलस को किसने देखा था, शायद तुम लोगों को बताया होगा, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैंने शायद बताया, फोंटाना, आंसर फोंटाना ने देखा था पहली बार। ये बताओ डीएनए में दो तरह के प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, डीएनए में दो तरह के प्रोटीन कौन कौन से जुड़े होते हैं, दो तरह के, एक का नाम हिस्टोन है और एक का नाम नॉन हिस्टोन है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का एक और नाम क्या है, शॉर्ट फॉर्म में बता दो, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का एक और नाम क्या है, एनओआर, एनओआर यानी वही वो रीजन है जो न्यूक्लियोलस बनाता है, इसका नाम ही, ठीक है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के एंड पे जो पार्ट पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर में जो पार्ट पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, सैटेलाइट, देखो याद हो गया, याद हो गए। चलो शॉर्ट आर्म का नाम क्या होता है, शॉर्ट आर्म का नाम क्या है, स्मॉल पी, लॉन्ग आर्म का क्या नाम है, लॉन्ग आर्म का क्या नाम है, स्मॉल क्यू। तो मेरे में से आज जाकर के न्यूक्लियस के सारे कोर्सेस बना लीजिए, वो डॉक्टर एली हो सारे बन जाएंगे, वो आपका पियर्सन का हो सारे बन जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो सारे बन जाएंगे। तो न्यूक्लियस को जाके पढ़िएगा, मुश्किल से 20 मिनट्स लगे एनसीईआरटी पढ़ने में, 20 मिनट मैंने खुद पढ़ दिया, मैंने सारा चीज खुद से पढ़ा दिया ना, तो बस आपका काम है 20 मिनट्स में पढ़िएगा और जाकर के पियर्सन से, डॉक्टर अली से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो न्यूक्लियस के होंगे बना जी। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो हम लोग दो ही टॉपिक अब बचा है, एक टॉपिक है सेल वॉल और एक टॉपिक बचा है आपको साइटोस्केलेटन, वो छोटा सा टॉपिक है, एक साइटोस्केलेटन डिफिकल्ट है, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। चलो ठीक है।